नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। आज हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील की, जहां के पिपलरवा जामा मस्जिद पिपलरवा से करीब 7:30 बजे मुस्लिम समाज के लोग जामा मस्जिद इमाम आलिम शेख वकील साहब के साथ ईदगाह पर रवाना हुए। ईदगाह पहुंचकर ईदगाह में नाजिम मदरसा दारुसलाम हाफिज अब्दुल कदीर साहब के बयान हुए, जिसके अंदर उन्होंने बताया आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। उसके पश्चात इमाम अलीम शेख वकील साहब ने ईद उल फितर की नमाज़ अदा कराई और नगर पिपलरवा पर पूरे हिंदुस्तान व पूरे आलम के अमनो अमान चैन सुकून के लिए दुआ फरमाई। अंत में सभी लोगों ने गले मिलकर खुशी इजहार किया। नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया, थाना प्रभारी अमित सिंह जादून, लेखापाल अशोक वर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने गले मिलकर खुशी का इजहार किया। ये ईद उल फितर का त्यौहार था। इस ईद उल फितर के त्यौहार के अंदर सभी लोग मिलजुल कर लिहाजा ईदगाह पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में हाफिज अब्दुल कदीर साहब के बयान हुए। उन्होंने बयान के अंदर यही संदेश दिया कि इखलास और मोहब्बत से रहा जाए, भाईचारगी बनी रहे, और उसके बाद में नमाज हुई, खुतबा हुआ, और खुतबे के बाद में दुआ हुई। दुआ के अंदर भी यही कहा गया कि आपस के अंदर इखलास और मोहब्बत से रहा जाए और एक दूसरे से भाईचारगी से मिला जाए, और दुआ के बाद में सभी लोग आपस के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत से मिले और मिलने के बाद में अपने घर पहुँचे।